And this question is from June 2018. जिसमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है विच इज 1 2 0 0 0 -2 0 0 and 1. ठीक है, और यहां क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स वाई जेड की अगर बात कर रहा है तो वो आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड ऑफ ए एंड एक्स वाई जेड, और इसको अगर मैं इक्विवेलेंट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखता हूं तो वो आपके पास आ जाएगा 1 1 1 0, और ये एंट्री 0, ये 0 है, ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 और ये 1. तो अगर इसको मैं सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करता हूं तो ये मैट्रिक्स मिलेगी आपके पास. ठीक है, तो ये जो होगा वो एक्स वाई जेड 1 1 0 1 0 -1 0 -1 1, ये आपके पास इंटू एक्स वाई जेड, ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है. ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि दी मैट्रिक्स ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो यहां मैट्रिक्स ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, इस क्यू है जो है वो 3 वेरिएबल में एक फंक्शन है, इसके सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू और डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जेड, देन डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, देन डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर एंड डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन जेड एंड सिमिलरली नेक्स्ट. तो इस मैट्रिक्स की आपको वो डिस्कशन करवा रहा है. तो अगर मैं सिंपली ये फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेता हूं, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास पहले कंपोनेंट आ जाएगा x प्लस वाई, सेकेंड कंपोनेंट x माइनस जेड और थर्ड कंपोनेंट y माइनस जेड इंटू एक्स वाई जेड. ठीक है, यहां से सॉल्व करूं या यहां से सॉल्व करूं, रिजल्ट आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म सेम आएगी क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म और ये फॉर्म हमेशा सेम क्वाड्रेटिक फॉर्म देता है. तो यहां से सॉल्व करोगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस, सॉरी, सेकेंड टर्म एक्स वाई माइनस वाई जेड और थर्ड टर्म जेड वाई माइनस जेड स्क्वेयर. ठीक है, तो फाइनली ये आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई जेड और जेड वाई ये जीरो हो जाएगा, तो प्लस सॉरी माइनस जेड स्क्वेयर, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है. ठीक है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड ये वाई जेड माइनस वाई जेड और जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है. अगर इसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो वो एग्जैक्टली 2 आएगा. ठीक है, तो यहां से अगर मैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करूंगा और उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म फर्स्ट ऑप्शन कराएगा दी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज 2 इन 2 ए, तो ये फर्स्ट एंट्री 2 आएगी. इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट कंपोनेंट सेम प्रॉपर्टी फाइंड कर रहा है. अगर मैं ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल, तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये 2 आएगी, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आना चाहिए. तो ये आपका जो है वो फॉल्स ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए शुड बी इनकरेक्ट. ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की मैट्रिक्स का मीनिंग है ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है. क्लियर है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो हर टर्म डिग्री 2 का है, तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो डेफिनेटली कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी. ठीक है, बट वो 2 इंटू ए के इक्वल नहीं आएगी आपके पास. अब मूव करते हैं सेकेंड ऑप्शन पे. सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि रैंक ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज 2. तो अगर मैं डायरेक्टली इस मैट्रिक्स की बात करता हूं तो यहां आपके पास ये तीनों कॉलम जो हैं वो लीनियरली, सॉरी पहले दोनों कॉलम की बात करूंगा तो ये डिपेंडेंट है, या ये दोनों रो की बात करूंगा तो ये डिपेंडेंट है. तो यहां रैंक की बात करूंगा तो 2 आएगा, लेकिन अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में डिस्कशन करता हूं रैंक ऑफ दिस
तो बी के रिस्पेक्ट में अगर रैंक की बात कर रहा हूं तो बी का सिंपली डिटरमिनेंट लिखूंगा तो 1 इंटू माइनस 1 और माइनस 1 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो ओवरऑल ये माइनस 1 और ये भी माइनस 1 विच इज माइनस 2, तो B का जो डिटर्मिनेट है वो नॉन जीरो है। तो अगर मैं B से बात करता हूं तो रैंक 2 आएगी और A से बात कर रहा हूं तो रैंक क्या आ रही है, सॉरी A के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो रैंक 1 आ रही है और B के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो रैंक क्या आ रही है, 2। तो सेकेंड ऑप्शन में वो कह रहा है कि रैंक ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज 2। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको A के रिस्पेक्ट में डिस्कस करना है या B के रिस्पेक्ट में डिस्कस करना है, ठीक है। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रैंक और सिग्नेचर की बात करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, या इंडेक्स की बात करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं जर्नल रियल मैट्रिक्स ले लूंगा तो उसकी सारी आइगन वैल्यू रियल होने की कोई गारंटी नहीं है। रियल आइगन वैल्यू की गारंटी कब होती है, जब रियल सिमेट्रिक या हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी, तो हम उसको सिमेट्रिक में चेंज करके डिस्कस करने हैं। तो जो रैंक की बात करूंगा वो विद रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक्स करूंगा, वहां रैंक 3 आएगी, तो सेकेंड ऑप्शन शुड बी फॉल्स। थर्ड कह रहा है कि सिग्नेचर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज प्लस प्लस एंड जीरो। तो जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो डेफिनेटली सिग्नेचर जीरो नहीं आएगा, लेकिन यहां से जब बात करोगे तो वो दो पॉजिटिव आइगन वैल्यू और एक जीरो है, तो यहां सिग्नेचर की वो बात कर रहा है, ठीक है। जब हम सिग्नेचर डिफाइन करते हैं तो सिग्नेचर क्या होता है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव आइगन वैल्यू, ठीक है। तो अगर मेरे पास सिमेट्रिक नहीं है तो मैं कभी सिग्नेचर का डिस्कशन कर नहीं सकता हूं। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें सिग्नेचर की जो डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक में चेंज करके डिस्कस करोगे, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन है इट इज ऑल्सो फॉल्स। डी कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक फॉर्म टेक वैल्यू जीरो फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर्स। तो यहां आप देखोगे कि ये इनडेफिनेट फॉर्म आएगी, तो कुछ नॉन जीरो वेक्टर को आप डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो कि वो कहाँ मैप होंगे, जीरो वेक्टर पे। जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ अगर मैं 1 0 1 का इमेज देखता हूँ तो वो कहाँ मैप हो जाएगा, जीरो पे मैप हो जाएगा। तो ये कुछ नॉन जीरो वेक्टर को हमेशा कहाँ मैप करेगा, जीरो पे। तो आपका डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ एम्बिग्यूटी है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बुक में उसने क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर यहाँ से डिफाइन किया गया, और सीएसआर के एग्जाम में भी इसी का यूज़ किया गया, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं उन बुक्स में क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक, सिग्नेचर और इंडेक्स बी के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। रीज़न सिंपल है कि जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू नेगेटिव आइगन वैल्यू की बात करते हैं। अगर मैं जनरल रियल मैट्रिक्स ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मैट्रिक्स लेता हूँ 2x2 में बात कर रहा हूँ, तो इसकी ये रियल मैट्रिक्स है, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करता हूँ एक्स कोमा वाई और एक्स इंटू वाई, डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा ये माइनस वाई आ जाएगा और सेकेंड कंपोनेंट एक्स आ जाएगा, और फिर इसको ऑपरेट करोगे एक्स कोमा वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या यहाँ माइनस टू ले लो और सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये माइनस टू वाई आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई और देन प्लस एक्स वाई, तो फाइनल माइनस एक्स वाई आ जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन अगर इसकी मैं करैक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल लिखूंगा तो करैक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए की अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस जीरो है प्लस डिटर्मिनेंट जो आएगा 2 आएगा। तो इसके पास तो कोई भी रियल आइगन वैल्यू नहीं है, और अगर रियल आइगन वैल्यू नहीं है तो मैं इसका इंडेक्स नहीं डिफाइन कर सकता। इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ अ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, और सिग्नेचर का मीनिंग क्या होता है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू ओवर नेगेटिव आइगन वैल्यू। तो ये मेरे पास एक रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन इसका मैं इंडेक्स यहाँ से डिफाइन नहीं कर सकता, सिग्नेचर डिफाइन नहीं कर सकता। तो जो जनरली जो हमें डिस्कशन करना है वो इंडेक्स, सिग्नेचर और रैंक का जो डिस्कशन करना है विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ आंसर जो होना चाहिए दैट शुड बी डी ओनली।